ये क्या है? गेहूं? परी पता, मेरा चेहरा इसमें दिख नहीं रहा है, बट मुझे बहुत, मतलब कितने सालों बाद, 4 या 5 सालों के बाद हम लोग खुली छत के नीचे सो रहे हैं। मैं इधर, मेरे बगल में इधर एक सोया है, एक उधर सोई है, एक उधर सोया है, पीछे मेरी मामी जी सोई हैं, मैं नाने की छत पे हूँ। और
ऊपर इतना मस्त तारे दिख रहे हैं ना, बट अफसोस मेरा कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो मैं ये वीडियो से पिछले रिकॉर्ड करूँ, भले ये ब्लैंक होगा, आई नो ये पूरा ब्लैंक है, इस पे ब्लैक वो दिख रहा है, हमारी सर्कल पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही, बट हाँ अब दिख रही है, बट बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसके नीचे सोते, क्योंकि आँख खुलते ही बस तारे दिख रहे थे, अच्छे अच्छे बहुत सारे, और इतना ठंडक मिल रहा है ना कि लाइट ना भी रहे तो यहाँ आराम से सो सकता है इंसान। हाय गाइस, डे टू इन द चूल्हा। मैं 21 अप्रैल को यहाँ आई थी बनाने, क्या नानी के घर से ही हूँ। बाहर नाना है इसलिए मैं फोन में ज्यादा बोल नहीं रही। देखिए तो कहीं सा सब्जी काट दी है, आग लगा दी है, आई मीन चूल्हे में आंच लगा दी है, एक तरफ सब्जी रखा है, एक तरफ गाय का खाना। अब थोड़ी देर में मैं रोटी भी बनाऊंगी, ठीक है। देखा नाना बाहर से देख रहे हैं ऐसा मुझे कल ही बता रही है, पर कोई बात नहीं, ये एक ऐसा व्लॉग होगा जिसमें मैं सिर्फ डेली यहाँ पे जो थोड़े बहुत दिखाने वाली या बताने वाली चीज़ होगी वही बताऊंगी बस, तो देखते रहना। और वो जो मैं मैंने सब्जी बनाऊंगी और मैंने इस व्लॉग में जो मैं वो दिखाया ना आपको शादी, वो हमारी सोनी मौसी है जो हमारी कुछ नहीं लगती है, बहुत दूर का रिश्ता था, लेकिन क्योंकि मैं अपनी नानी घर गई थी, उनका उनसे बहुत क्लोज रिलेशन था, इसलिए मुझे उनके घर जाना पड़ता था। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वीट। तो इस व्लॉग को आगे भी देखो, आज 25 अप्रैल है, मैं 21 अप्रैल को यहाँ आई थी, 22 की उनकी शादी थी, 21 को मेहंदी थी, मैं मेहंदी में नहीं थी, मेहंदी लगाया था उनका, एक जो कोबर होता है हमारे यहाँ पे बनता है वो मैंने ही बनाया था पूरा। मेहंदी आप लगाई थी उनको? उनको नहीं लगाई थी, लेकिन उनके घर में दो लोगों को मेहंदी मैंने लगाई थी, क्योंकि मुझे आता है ये, मुझे सब आता है सब। हेलो, इट्स अ नेक्स्ट डे। पूरे घर में कोई नहीं है, नाना गए हैं मोड़ पे कुछ सामान लाने, बाबू मुस्कान गए हैं बाहर आइसक्रीम लाने, मामी गई हैं हॉस्पिटल, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था मामी की तबीयत खराब है, तो सारे काम मैं ही संभाल रही हूँ। और अभी फिलहाल इस पूरे बड़े से घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और शेरू, और वो आदि आ रहा है, वो गया था आइसक्रीम लेने, लोगों ने बोला कि दीदी कोई नहीं है आइसक्रीम दिला दो, मैंने कहा चलो दिला देते हैं बच्चों को। और मुंह से कोई बकवास नहीं निकालेगा, नहीं पिटोगे आओ दोनों लोग। मुस्कान आइसक्रीम लेके आ रही है, और आज 26 अप्रैल है, आज भी मैं मेरे नाना के आई हूँ, ऐसे ही मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाऊँगी इस वीडियो में ही ऐड करती जाऊँगी, देखते रहना, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाऊँगी चूल्हे में, वो रहा चूल्हा 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 कहाँ गया, अच्छा वो रहा छोटे से गेट वाला चूल्हा। अब ये बारी है आइसक्रीम खाने की। ये देख रहे हैं आप, ये पिद्दी सा बच्चा है, मुझे कह रहा है दीदी पहले मुझे एक रोटी दो मैं बनाऊंगा उसके बाद सारी बनाने। ये देखो कमन, चलो बना, देखते हैं। चियार दिए, चिपोर दिया, हमारे यहाँ कहते हैं चिपोर दिया, मतलब काम गड़बड़ा हो गया, रहने तो आधी मुझे जल्दी जल्दी बनाया, बाबा ने बनाया। ये वाली एक आप मुझे बना के, नहीं मैं नहीं, अब मैं बना लेती हूँ, लास्ट वाली भी तुमसे बनाऊंगी ना, लास्ट में देखते हैं आधी बनाते हैं। तुम जाना बाबा खाना देना। हाय एवरीवन, आज 27 अप्रैल, और आज घर में सब हैं, और मामी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो वो बाहर बैठी हैं, धीरे 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 कुछ खा रही हैं पता नहीं क्या। मैं यहाँ बैठी हूँ, एक तरफ सब्जी एक तरफ चावल बन रहा है, उसके बाद आटा लगेगा और रोटी बनेगी। क्योंकि मुझे बाहर से वो लोग देख रहे हैं इसलिए मुझे हंसी आ रही है बस, और कुछ नहीं। दो लोग खड़े हैं, मामी और कभी, और बस यही हो रहा है। ये व्लॉग थोड़ा पॉइंटलेस है बट कोई बात नहीं, देखो आगे तक देखो। चावल उबलना स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं रखती हूँ, आगे देखते हैं अभी क्या होता है। आज 27 अप्रैल है, ये मैं खुद को याद दिला रही हूँ आपको भी। तो गाइस पूरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बदतमीजी कर रही हूँ कि तो कमेंट सेक्शन में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग आते हैं फालतू में ही बदतमीजी करके चले जाते हैं कमेंट सेक्शन में, हाँ कर तो देते ही है। और
मेरे को मतलब इस पूरे ब्लॉग को जब मैं एडिट कर रही थी, मेरे को बस ये चीज़ पता चली कि मेरी लाइफ ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा है। अभी देखो, अभी मैं मेरे नाना जी के आऊँ, जैसे मेरी मामी की तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद मुझे भिवाड़ी जाना है, ये मैंने प्रिडिक्ट किया खुद से, लेकिन जाना तो है ही, वो तो कन्फर्म्ड है। फिर वहाँ से मुझे वडोदरा जाना है, तो ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग है, बट आई एम हैप्पी विद दैट। ये देखो इनको, पागलपंती करता हुआ बच्चा, उधर बैठे हैं तीन लोग बट मैं उधर नहीं दिखा सकती। देखो बाहर कोई आया, कली जाओ। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मैं उनकी जो शादी थी, सिर्फ हल्दी का फंक्शन अटेंड किया था, मेहंदी वाले दिन ही मेरे जो छोटे मामा जी हैं वो मुझे लेने आ गए थे, तो मैं उनके साथ चली आई यहाँ पे। मामी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, प्लीज़ जो ये ब्लॉग देख रहे हैं भगवान से बनाओ उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए यार। और बस बाकी, और इसके बाद, इस ब्लॉग के बाद मैं वो ब्लॉग डालूंगी जो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। बहुत 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 कोई बाहर आया है, आई डोंट नो हु इज ही, बट समवन इज देयर। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो और खुश रहो, खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा, मैं कभी किसी सिचुएशन पर से रोता ही नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं नहीं, इतना सा बुरा लगता है, सबको लगता है, इंसान मैं हूँ, मेरे को भी लगता है, पर मैं अकेले में थोड़ा बहुत सैड हो लेती हूँ, उसके अलावा कभी नहीं, कभी सैड नहीं होती मैं। आप भी सैड मत हो, खुश रहो, और अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।